नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की सूची जारी होने के साथ ही साथ स्थितियां भी काफी हद तक अब साफ हो चुकी हैं। आरक्षण से जहां कई दावेदारों के सपने टूटे हैं, वहीं कई के दोनों हाथों में लड्डू आ गए हैं। आरक्षण से जो लोग संतुष्ट नहीं हैं, वे आपत्ति दाखिल करने की तैयारी में जुटे हैं। पूरे दिन जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक तक गहमा गहमी का माहौल रहा। आपको बता दें कि जिले की ब्लॉक प्रमुख की 5 सीट अनुसूचित जाति, 6 पिछड़ी जाति, 4 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। वहीं जिला पंचायत सदस्य की 22 सीट अनुसूचित जाति, 22 पिछड़ी जाति और 12 महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें की गई हैं। प्रमुख की 7 और जिला पंचायत सदस्य की 28 सीटें अनारक्षित की गई हैं। इस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इसी क्रम में प्रधान पद के 1858 पदों पर चुनाव होना है, जिसके लिए आरक्षण सूची जारी की गई है। इनमें 427 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, जिनमें 150 अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह पिछड़ी जाति के लिए 504 सीट आरक्षित की गई है, जिसमें 178 सीट पिछड़ी जाति महिलाओं के लिए आरक्षित है, 299 सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई हैं और 828 सीट अनारक्षित रखी गई हैं। इसी तरह क्षेत्र पंचायत की 2104 सीटों के लिए आरक्षण जारी हुआ है, जिसमें 559 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि पिछड़ी जाति के लिए 559 सीट, महिला के लिए 324 सीट आरक्षित की गई है, 968 सीटों को अनारक्षित रखा गया है। इसी क्रम में ब्लॉक प्रमुख की 22 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट, पिछड़ी जाति के लिए 5 सीट, महिलाओं के लिए 4 सीट आरक्षित की गई है, 7 सीटें अनारक्षित रखी गई हैं। जिला पंचायत सदस्य की 84 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 22, पिछड़ी जाति के लिए 22, महिलाओं के लिए 12 सीट आरक्षित की गई है, 28 सीटों को अनारक्षित रखा गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट को पहले ही पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया जा चुका है। DPRO लालजी दुबे ने बताया कि आरक्षण की सूची प्रकाशित कर दी गई है। 4 मार्च से 8 मार्च तक आपत्ति ली जाएगी और उसके बाद आपत्तियों को 10 से 12 मार्च को जिले की गठित कमेटी द्वारा इसका निस्तारण किया जाएगा। 13-14 मार्च में अंतिम सूची बनाई जाएगी और 15 को प्रकाशित यह कर दिया जाएगा। इस शासनादेश के अनुसार जो भी जिला पंच सदस्यों का, ब्लॉक प्रमुख का, BDC का, प्रधानों का और ग्राम सदस्यों का जो आरक्षण किया गया है, उसकी अनंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है और इस पर 8 तारीख का समय है, आपत्ति ली जाएंगी और आपत्तियों का निस्तारण करके 15 मार्च को अंतिम रूप से प्रकाशित करके शासन को सामान्य निर्वाचन 2021 में जो कि पंचायतों का प्रारंभ है, इसमें आरक्षण का जो पीरियड है और उसका प्रकाशन की तिथि 2-3 को निर्धारित थी, जिसमें कल देर रात ही इसका प्रकाशन हस्ताक्षर करा के कर दिया गया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, BDC सदस्य तथा प्रमुख और ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण को प्रकाशित कर दिया गया है, जो अनंतिम है। इस पर आपत्तियाँ जो है 4 से 8 के बीच में तथा 10 से 12 के बीच में जिला स्तर की कमेटी इसका निस्तारण करेगी। 13-14 में अंतिम सूची बनाई जाएगी, इसका अंतिम प्रकाशन करके 15 तारीख को निदेशालय भेज दी जाएगी। सर, आपत्ति की अंतिम तिथि क्या है? 8 तारीख है, 4 से 8 के बीच में आपत्तियां प्रकाशन की तिथि से ही मान्य हो जाएंगे। अगर देना चाहेगा तो मांग लेंगे, 4 से 8 का शेड्यूल दिया हुआ है कि 4 तारीख से 8 तारीख तक आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी। आपत्तियों को क्षेत्र पंचायत स्तर, हमारे विकास भवन तथा जिला पंचायत कार्यालय में दिया जा सकता है, जिनका एकत्रीकरण 9 तारीख को किया जाएगा। सब जगह से जितनी भी आए होंगे सबको मिला करके उसका निस्तारण 11-12 को कमेटी जो गठित है GM साहब की अध्यक्षता में, वो निस्तारण करेगी, फिर अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।